जय गुरु जी। नमस्कार सारी संगत को, वेलकम। आज के सत्संग में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। गुरु जी का लोटा ब्लेस कैसे करें, इसके बारे में आपने बहुत सारी संगत ने ये सवाल पूछा, स्पेशली न्यू संगत ने जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी। तो लोटे के बारे में एक तो ये है कि आप ब्लेस कैसे करें, मीन्स कहाँ से करवाएं और इसका प्रोसेस क्या है, इसको डेली यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। जय गुरु जी। मैंने एक 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आपको डेली यूज़ करना है लोटे का। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको घर पे कैसे ब्लेस करना है या मंदिर जाके ब्लेस कराना है। पहले आप ये वीडियो देखिए, डेली यूज आपको कैसे करना है। मैं वीडियो के बाद आपको मिलता हूं, देखिए। लोटे को किसी भी साबुन से साफ नहीं करना, नींबू से या कोयले की राख से आप लोटे को साफ कर सकते हैं। उसी समय नींबू काटिएगा हो सके तो, और जिनके नाम से लोटा है कोशिश यही रहे कि वो खुद लोटा साफ़ करें। अगर वह ठीक नहीं है तो कोई फैमिली मेंबर भी लोटा साफ कर सकते हैं। किसी भी डोमेस्टिक हेल्प से लोटा साफ नहीं कराना है, कोई फैमिली मेंबर लोटा साफ कर सकता है। लोटे को साफ करते समय गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लोटा क्लीन हो जाने के बाद जल भरना है। रुका हुआ पानी ना भरें, जो आपके घर में स्टोर्ड वाटर होता है उसको नहीं भरना। डायरेक्ट बहता पानी भर सकते हैं टैप से, प्यूरिफायर से, लेकिन प्यूरिफायर में जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको कोशिश करें ना भरें। सील्ड बोतल जो होती है, बिस्लेरी या अन्य कोई भी जो सील्ड पानी की बोतल होती है, वो पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। गुरुजी के आगे रखिए जल प्रसाद और गुरुजी से अरदास कीजिए कि जिनके लिए भी आप रख रहे हैं या वो खुद अरदास करें। अरदास कैसे करनी है, आप गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हों। थोड़ी देर बिना ढके रखिए, उसके बाद जल को ढक दीजिए। पूरी रात आपको ऐसे रखना है जल को, और सुबह पी लेना है। रोज़ सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। जय गुरु जी। अभी आपने वीडियो में देखा कि डेली जो है आपको किस तरीके से यूज़ करना है लोटे का। अब कुछ प्रश्न आपके मन में उठे होंगे कि स्टार्टिंग में ब्लेस कैसे करवाएं लोटा। आप नया लोटा लीजिए, सबसे पहले न्यू लोटा लीजिए मार्केट से, उसे क्लीन कीजिए। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बार जब आप यूज़ करेंगे नया लोटा लेके आइए मार्केट से, उसे क्लीन कीजिए नींबू से या राख से। क्लीन करने के बाद उसको बड़े मंदिर लेके जाइए। बड़े मंदिर में, दिल्ली में है बड़े मंदिर, गुरु जी का आश्रम, बड़े मंदिर लेके जाइए। वहाँ पर किसी भी सेवादार को बोलिए, अंकल हमें लोटा ब्लेस कराना है। अंकल आंटी जो आपको मिलेंगे उनको बोलिए लोटा ब्लेस कराना है, वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे। प्रोसीजर क्या होता है, बिफोर कोविड ये अलाउड था कि लोटा आप गुरु जी के आगे रखें। सेवादार जो गुरु जी की गद्दी के आगे खड़े होते थे वो आपसे लोटा ले लेते थे, या आपको ही कहते थे कि गुरुजी की गद्दी के आगे रख दीजिए। 2 मिनट आप रखते थे, अरदास करते थे और फिर लोटा लेके आ जाते थे। लेकिन कोविड टाइम्स में अब ये रूल चेंज हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि आप चलते हुए ही, वो कहते हैं आप निकल जाइए लोटा लेकर, या 2 मिनट साइड में खड़े हो जाइए मेन हॉल में जहाँ गुरुजी की गद्दी है, साइड में खड़े हो जाइए, गुरुजी से अरदास कीजिए, लोटा बिना रखे नीचे अरदास कीजिए और
गुरु जी लोटा ब्लेस कर देते हैं और फिर आप आगे चले जाइए लंगर हॉल में। तो इस तरह आपका लोटा ब्लेस हो जाएगा बड़े मंदिर में। उसके बाद आप लोटा लेकर आ जाइए घर पे, और मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि डेली आपको कैसे लोटा यूज करना है। लोटे का आधा जल आप पी लेंगे सुबह, और फिजिकल बॉडी में जिसको इश्यू है वो आधा जल बाल्टी के पानी में मिला के नहाएंगे। इफ द पर्सन इज फीलिंग ओके तो पूरा जल पी लीजिए, अदरवाइज आधे को पी लीजिए और आधे से नहाइए पानी में मिक्स करके। शावर नहीं ले सकेंगे आप, बाल्टी में मिक्स करना होगा। वेरी सिंपल। और दिस इज वेरी सिंपल और आपकी बॉडी क्योर होगी इससे। यूज कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक यूज कीजिए, और अगर आप ठीक हैं वैसे ही यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए फॉर 11 डेज, 21 डेज, 31 डेज, 51 डेज, कुछ दिन बाद फिर रोक लीजिए। उसके बाद आप लोटे को मंदिर वगैरह में कहीं रखिए, साफ जगह पर रखिए। ये लोटा आपके लाइफ टाइम के लिए है, इसको कभी कुछ परवाना नहीं है, कुछ नहीं करना। और अगर कोई एक व्यक्ति ठीक हो गया है लोटे से तो दूसरा व्यक्ति उसी लोटे को यूज़ कर सकता है, चाहे तो वो अलग भी ले सकते हैं और चाहे तो वो सेम लोटा भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ओके, बोथ थिंग्स आर फाइन। लेकिन इस लोटे को परवाना नहीं है, ये लोटा आपको यू हैव टू कीप इट विद यू फॉर अ लाइफ टाइम, हमेशा के लिए आपके लिए है, गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। इट्स अ ब्लेस लोटा एंड इट विल रिमेन विद यू फॉर एवर। ठीक है, आप देखिए स्टोरी और मुझे बताइएगा सत्संग और स्टोरी कैसी लगी, और आज का ये जो इन्फॉर्मेटिव सत्संग था आपको कैसा लगा। प्लीज़ अप्रिशिएट व्हाट वी आर डूइंग, हार्डवर्क तो होता ही है, आप अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज़ अप्रिशिएट आवर वर्क, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा एक नई स्टोरी नए सत्संग के साथ। थैंक यू, जय गुरु जी, बाय बाय। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर आज वह एक दूसरे से दिल की बात करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया में मेरी कोई जरूरत नहीं। हर तरफ आपाधापी और लूटमार मची हुई है, मैं यहां से जा रही हूं। ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूं, और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहां कोई जरूरत नहीं है, मैं भी यहां से जा रही हूं। दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूं, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरे तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं देख सकती, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूं। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा भागते हुए उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गया। उसने हैरान होकर बोला, मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक जलना है, तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूं, और जब तक मैं जल रही हूं हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्चे की आंखें चमक उठी और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराए लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा की उस किरण को मत छोड़िए, क्योंकि आशा की एक मोमबत्ती से आप हर खोई चीज वापिस पा सकते हैं। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए, बस अगर ये जलती रहेगी
तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं।